नमस्ते, मैं अंकिता त्रिपाठी। वेलकम टू अंकिताज हैप्पी लाइफ। हैप्पी मकर संक्रांति। कैसे आप सब? अच्छे हैं ना? चलिए आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। आज मकर संक्रांति है और साउथ इंडिया में बहुत लोग पोंगल के नाम पे ये सेलिब्रेट करते हैं। हम इंडिया में ना बहुत एक ही फेस्टिवल हम लोग बहुत नाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वाला फेस्टिवल तो स्पेशली मैं देख रही हूँ कि हर जगह पे सेलिब्रेट किया जाता है अलग अलग नाम से। ठीक है, चलिए इस कल्चर को आगे बढ़ते हुए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पोंगल। कैसे करेंगे पोंगल, आइए देखते हैं। ये पोंगल जो रेसिपी है इसको बनाना बहुत इजी है और हम लोग बहुत इजी तरीके से इसको बनाएंगे। आप इसको ऐसे ब्रेकफास्ट खा सकते हैं, लंच में बना के खाइए, बहुत अच्छा लगता है और बहुत इजी है और बहुत टेस्टी भी। हैप्पी पोंगल, हैप्पी मकर संक्रांति। आज जो रेसिपी है वो है पोंगल। पोंगल एक साउथ इंडियन डिश है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी है। कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। 4 कप्स राइस लेना है, रॉ राइस है, और 2 कप्स ऑफ मूंग दाल, येलो मूंग दाल हम लोग मिक्स करेंगे और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, विदाउट ऑयल फ्राई करेंगे। ये 1:2 वैसे रेशियो में मैंने लिया है। अगर 4 कप्स राइस है तो आप 2 कप्स मूंग दाल डालिए, अगर 2 कप्स राइस डाल रहे हैं तो 1 कप मूंग दाल डाल दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं वेन पोंगल कैसे बनाते हैं। अभी इसको मैं अच्छे से ऐसे फ्राई करूंगी, ये बहुत अच्छा लगता है, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा ये रेसिपी। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे आपका मूंग दाल स्मेल होने लगेगा ना, अच्छे से खुशबू आता है मूंग दाल का, तो इसको हम बंद कर देंगे। अभी हम इसको पानी डालेंगे और प्रेशर दे देंगे, अराउंड 4-5 प्रेशर दीजिएगा। जैसे हम लोग खिचड़ी बनाते हैं ना वैसे ही करना है, बट हम इसमें कोई हल्दी वल्दी अभी नहीं डालेंगे। मैंने पानी डाल दिया, अभी सॉल्ट डाल रही हूँ। इसको पहले हम अच्छे से प्रेशर दे देंगे, उसके बाद इसको कैसे छोंकना है मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत टेस्टी होगा और बहुत हेल्दी भी। आइए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए इस तरह से बॉईल हो जाएगा अच्छे से। हम इसको अच्छे से स्मैश करेंगे फिर इसको छोंकेंगे। यही होता है वेन पोंगल का रेसिपी। आइए इसको छोंकते हैं। छोंकने के लिए मैं क्या यूज कर रही हूँ देखते हैं। एक कढ़ाई में घी गर्म कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स, जीरा। अच्छे से एक बड़ा स्पून में डालिएगा और एक ब्लैक पेपर। और थोड़ा सा हम डालेंगे उड़द दाल। और ये चना दाल। इसके साथ भी मैं अभी हींग भी डाल रही हूं। ये बहुत टेस्टी लगता है और बहुत बहुत जल्दी बन जाता है। इसको कोई ज्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी बनता है। पहले इसको बॉईल कर दिए चावल और मूंग दाल को और अच्छे से स्मैश करिए। अगर आप थोड़ा पानी डालेंगे तो लिक्विड ही, अगर आपको थोड़ा चाहिए तो पानी डाल सकते हैं, और अगर सॉलिड चाहिए आपको थोड़ा जैसे मैंने बताया ना वैसे पानी डालेंगे तो वो सॉलिड ही होगा, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या भी अच्छे से पहले इसको फ्राई होने दीजिए। इसके साथ हमें चाहिए थोड़ा सा कैश्यू नट। कैश्यू नट बहुत अच्छा लगता है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं चलेगा। और ग्रीन चिली जरूर डालिएगा और जिंजर जरूर डालिएगा और करी पत्ता, क्योंकि एक साउथ इंडियन डिश है और करी पत्ता के बदले साउथ इंडियन डिश अधूरा होता है। अभी मैंने कैश्यू नट डाल दिया
उसके पास करी पत्ता, थोड़ा सा जिंजर और ग्रीन चिली। इतना ही लगेगा और आप थोड़ा सा ज्यादा घी डालिएगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल कुछ भी टेस्ट इसका यही फ्लेवर है, घी और जितना भी करी पत्ता का और ग्रीन चिलीज का ही फ्लेवर आता है पोंगल में, तो ये बेसिक फ्लेवर्स हैं, तो इसको कम मत करिएगा। देखिए मैं अभी इसको छोंक को इसमें डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मेरा पोंगल रेडी हो चुका है। देखिए बहुत टेस्टी डिश है, प्लीज ट्राई करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है फिर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। पोंगल मेरा रेडी हो गया है, तो हैप्पी पोंगल। चलिए हमारा पोंगल बन गया, तो चलिए इसको प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर हम लोग खाएंगे। और सबको हैप्पी पोंगल, हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू, बाय बाय। हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।